नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सूर्या प्रजापति, आप देख रहे हैं सूर्या इन्फो। आज के ब्लॉग में हम आपको अहमदाबाद के प्राचीन मंदिर लेके जाएंगे और वहां पर आपको माँ भद्रकाली के दर्शन करवाएंगे और साथ में उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी भी देंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग। भद्रकाली मंदिर को अहमदाबाद के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है और यह शहर के केंद्र में भद्रा किले के अंदर स्थित है। 14वीं शताब्दी में अहमद शाह ने अहमदाबाद को बसाया, तब उन्होंने अपने किले के बाहर अपने राजपुरोहित की इच्छा अनुसार मंदिर की स्थापना कुछ ऐसे करवाई कि माता की दृष्टि संपूर्ण नगर पर हो। आज भी यह मंदिर उन राजपुरोहित के वंशजों की देखरेख में है। निर्माण की सही तारीख तो ज्ञात नहीं, लेकिन साक्ष्य के अनुसार यह पवित्र मंदिर कम से कम 800 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। यह मंदिर देवी भद्रकाली को समर्पित है और अहमदाबाद की नगर देवी के रूप में ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पाटन के राजा और साबरमती नदी के तट पर कर्णावती के संस्थापक कर्णदेव ने भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी। इस प्रकार ये मंदिर मुगल शासक, मराठा शासक, ब्रिटिश शासक का साक्षी है और आज तक अहमदाबाद की राज देवी के रूप में खड़ा है। त्यौहार, सप्ताहांत और विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान हर दिन लगभग 3000 भक्त और पर्यटक इस पवित्र मंदिर में आते हैं। मंदिर ट्रस्ट विभिन्न सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों जैसे स्कूल, चिकित्सा शिविर, गौशाला, विवाह समारोह के लिए श्री रामबलि हॉल आदि का प्रबंधन करता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भयानक राक्षस राजा महिषासुर वरदान की शक्ति के कारण भगवान या मनुष्य द्वारा गायब नहीं हो सकता है। इस प्रकार केवल महिलाएं ही इस राक्षस को मार सकती है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मां पार्वती को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की और उन्हें योद्धा की देवी भद्रकाली के रूप में बदल दिया। मां भद्रकाली को हर देवता ने अपना शक्तिशाली अस्त्र दिया। तब मां भद्रकाली ने राक्षस राजा को पराजित किया और सभी के लिए शांति बहाल की। मंदिर का मुख्य आकर्षण मां काली की प्रतिदिन बदलने वाली सवारियां जैसे शेर, हाथी, नंदी, कमल की सवारियां हैं। नगर का व्यापारी वर्ग मां के चरणों में कमल पुष्प अर्पित कर अपने नए कार्य की शुरुआत करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल नव वर्ष के मौके पर मंदिर दर्शन करने आया करते हैं। मंदिर साल में दो बार अन्नकूट का आयोजन करता है। शारदीय और चित्र दोनों नवरात्रि के बाद यहाँ भंडारे का आयोजन होता है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में देवी भागवत का आयोजन होता है। हर रविवार को माँ के भोग प्रसाद का वितरण किया जाता है। सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक मंदिर माता के दर्शनों के लिए खुला रहता है। मंदिर में एंट्री निःशुल्क है। हर रोज सुबह की आरती का समय 8:30 बजे और संध्या आरती 9:30 बजे होती है। मंदिर की देखरेख श्री रामबलि प्रत तिवारी ट्रस्ट द्वारा की जाती है। और अंत में आपको ये भी बता दें कि मंदिर की वर्तमान संरचना रमणानी जी महाराज द्वारा 1920 में स्थापित की गई थी। तो ये थी संपूर्ण जानकारी माँ भद्रकाली के मंदिर के बारे में। तो अब आपको पूरी जानकारी हो चुकी है, तो आप जब भी अहमदाबाद आएं तो इस मंदिर में आके माँ भद्रकाली के दर्शन जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के रोचक वीडियो के साथ में हम फिर हाजिर होंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।